प्रदेश भर में खनिज संपदाओं की लूट मची हुई है। माफिया रेत, मुरुम, गिट्टी सहित अन्य संपदाओं का खुलेआम दोहन कर रहे हैं। कुछ जगहों से रेत माफिया शमशान घाट को भी नहीं छोड़ रहे हैं। राजनांदगांव के प्रभात नगर के पास भवन निर्माण के लिए रेत खदान से मंगाई गई रेत में दफन की गई एक महिला की लाश मिलने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि माफियाओं को संरक्षण देते हुए अवैध उगाही के धंधे में अपने कर्तव्यों और ईमान को दफना चुकी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार। महेश्वर साहू जी बैठे हुए हैं मेरे बगल में और वो बताएंगे कि उनकी माँ के साथ क्या हादसा हुआ। और मेरे माता जी की 22 मार्च को कबीरपंथी समाज के अनुसार वहाँ अंतिम संस्कार किया गई से समाज के अनुसार पूरा समाज के साथ में। और लोग के बाद 2-2.5 महीना बाद रेत खनन माफिया के अनुसार रेत निकाल के रात में माँ के शवल निकाल के मतलब जो दुख और पीड़ा हुई से बहुत अत्यंत दुख पीड़ा हो रही। एक जो रेत माफिया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, एफ आई दर्ज होना चाहिए। थाने में आप गए थे? तैयार हो गए? हाँ, थाने में गए थे, गए रहूँ मैं थाना में तो पुलिस एक कड़ी कार्रवाई करेंगे, अभी तक से कुछ नहीं हुआ है। आपके नाम? महेश्वर साहू, ग्राम मुखला। जिस प्रकार सरकार के संरक्षण में, मुख्यमंत्री के संरक्षण में अवैध रेत का कारोबार चल रहा है और रेत माफिया पूरे प्रदेश में सक्रिय हैं, यहाँ से उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र को रेत जा रहा है, 4 गुने कीमत में जा रहा है और बारिश के पहले लगातार डंप किया जा रहा है। बेशर्मी की हद तब हो गई जब राजनांदगांव जिले में, राजनांदगांव के मोखला गांव में जो ऐसे दर्दनाक हादसा हुआ जो पीड़ाजनक भी है, शर्मनाक भी है और आपत्तिजनक भी है, इसमें आपराधिक मामला भी दर्ज होना चाहिए। इस प्रकार की घटना, आज मेरे बगल में महेश्वर साहू बैठे हैं, महेश्वर साहू जी के माता जी स्वर्गीय सतरूपा साहू, इनका इन्होंने दाह संस्कार किया, 22 मार्च को मृत्यु हुई और पूरे कबीरपंथी संस्कार के साथ दफनाने का काम करते हैं, कबीरपंथी में जुनिया हैं, पूरे गांव, पूरे समाज, पूरे मोखला के लोग मिल के किए और 22 मार्च की घटना है। 12 जून को रेत माफिया लगातार उस पूरे के पूरे मोखला में हो, भर्रे गांव में हो, जंगलेश्वर हो या पूरे राजनांदगांव विधानसभा महानदी किनारे किनारे या कहें पूरे जिले में जिस प्रकार घटना हो रही है, इन्होंने दुस्साहस ये किया कि रात में पूरी बॉडी को उखाड़ के रेत सहित भर के लोड करके ले गए और यहाँ से जाके राजनांदगांव में, मोखला से ले जाके राजनांदगांव में डंप किया और रायलगढ़ स्कूल में उस रेत को छोड़ा। जब बॉडी देखे तो वहाँ हंगामा हुआ और जब गांव वालों की जानकारी हुई तो गांव वालों ने आपत्ति किया। आज पूरे गांव के गांव मेरे पास आए थे, उनके सुपुत्र महेश्वर जी और वहाँ के बर्रे गांव के उप सरपंच और वहाँ के सारे जनप्रतिनिधि मेरे पास आए थे। अभी तक मैंने आज कलेक्टर से बात की, कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक, ना जेसीबी जब्त हुआ है, ना ट्रक जब्त हुआ है, ना जो कार्रवाई, क्रिमिनल अपराध है ये तो, कि बॉडी को उठा के किसी के धार्मिक भावना, पूरे कबीर पंथियों का भावना आहत हुआ है पूरे छत्तीसगढ़ के और इस प्रकार की घटना के बाद भी गंभीरता से नहीं लिए। रेत चोरी इतनी बड़ी हो गई है कि इसके बाद भी लगातार जेसीबी चल रहा है, लगातार ट्रक चल रहा है, रात और दिन यही काम लगा हुआ है। आज मैंने कलेक्टर को पूरी तरीके से बात किया, पूरे गांव वालों के सामने बात किया और चुनौती, चेतावनी भी दी है, यदि इस पे कार्रवाई नहीं होती, गांव वाले चाहते हैं तत्काल वहां के जेसीबी जब्त हो जाए, ट्रक जब्त हो और जिन लोगों ने इस प्रकार के रेत की स्मगलिंग का काम कर रहे हैं, कालाबाजारी का काम कर रहे हैं, इनके नाम भी लिख के दिए हुए हैं, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी कठोर कदम उठाएगी और कलेक्टर और माइनिंग जो अधिकारी हैं जिनके संरक्षण में ये सब काम हो रहा है उनका घेराव करने के बारे में भी बातचीत चल रही है कि हम इस प्रकार जिला कलेक्ट्रेट में पहुँचेंगे पूरे आसपास के गाँव को लेकर और इस घटना के प्रति नाराजगी भी व्यक्त करेंगे और अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग भी करेंगे।